वैसे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, लेकिन मुझे आज कुछ याद आया तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लिया जाए। भंवरे को जानते हैं आप? भंवरा जो अक्सर फूलों पे मंडराता है, गाना भी हमने सुना है उसे लेके, एक शायद बहुत पुराना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल। मैं उसी भंवरे की बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर सा वो एक जीव है और अक्सर हम उसे फूलों पे बैठा हुआ देखते हैं। वो हर रोज अपने घर से निकलता था किसी बाग में जाने के लिए, जहाँ अच्छे अच्छे फूल हो, खुशबू हो, उनका रस चूसने के लिए। तो रास्ते में एक उसे कुछ अपना हमशक्ल जैसा कुछ दिखाई दिया, और शायद हम उसे जानते हैं बीटल के नाम से। बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका जो बैक होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। आपको पता है कि बीटल कहाँ रहता है, क्या करता है? भंवरे जैसा ही। बीटल दरअसल डंग में रहता है, हाथी के डंग में रहता है, और यही उसका काम है पूरे जीवन का, कि उसके डंग की छोटी छोटी सी गोलियां बना के जिंदगी भर उन्हें ढोता रहता है, घसीटता रहता है, और अपनी पूरी लाइफ को उसी में खत्म कर देता है। लेकिन ये देख करके भंवरे को इतना दुख हुआ कि यार शक्ल में तो ये मेरे जैसा लगता है, मेरे परिवार का लगता है और मेरी बिरादरी का लगता है, लेकिन ये इतनी गंदगी में क्यों है? उसने जाके उससे बातचीत की कि भाई साहब आप, कि हाँ जी ठीक है, मैं बीटल हूं और यही मेरा लाइफ स्टाइल है और मैं खुश हूं अपनी लाइफ के साथ। बातचीत खत्म होने के बाद भंवरा अपने बाग में गया, लेकिन उसके दिमाग से बीटल का लाइफ स्टाइल उसके दिमाग से नहीं उतरा। वो बहुत दुखी था कि वो मेरा अपना है, मेरे अपने जैसा है, और मैं उसे उस गंदगी से बाहर कैसे निकालूं। अगले दिन उसने उससे रिक्वेस्ट की कि दोस्त आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे? ठीक है चलो, तुम्हारी दुनिया देखते हैं। इस तरह वो उसे अपने बाग में लेके गया, और जितने भी अच्छे अच्छे फूल थे, वो गुलाब के थे या गेंदे के थे, उनका रस पिलाया और उनके ऊपर बैठाया, उनकी खुशबू जो थी वो उसे महसूस कराने की कोशिश की। लेकिन जब शाम को पूछा कि बीटल भाई आपका दिन कैसा गुजरा, आज कैसा महसूस कर रहे हो, बीटल ने कहा भैया मुझे कुछ कोई खास फीलिंग नहीं है, कुछ स्पेशल वहां नहीं था। शाम को उसने घर छोड़ते हुए वो अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से ये पूरी की पूरी घटना शेयर की। माँ ने सोचा कि बच्चा दुखी है, कुछ सोल्यूशन इसे देना चाहिए। तो उसने कहा कि कल आप उस बीटल को अपने साथ लेके जाना, और बाग में जाने से पहले, फूलों पे जाने से पहले, उनका रस चूसने से पहले, उनकी खुशबू लेने से पहले, उसे एक नदी के किनारे जरूर लेके जाना। और मुझे लगता है कि उसके कान में, उसके नाक में, उसके हलक में जो गंदगी भरी पड़ी है, वो सारी की सारी चीजें उसे आपके माहौल की जो अच्छाइयां हैं, जो कोयल की आवाज है या कुछ भी है, जो भी आप दिन भर वहां एंजॉय करते हैं, वो उसे फील नहीं होने दे रही। तो उसके ये सब रास्ते खोलना बहुत जरूरी है। भंवरा नेक्स्ट डे फिर बीटल के पास गया, और बीटल के नाक में, कान में जो भी कचरा भाई साहब उसके हलक में भरा पड़ा था, उसे पानी से धोने की उसने भरपूर कोशिश की, और जब वो साफ हो गया तब उसे वो अपने साथ उस बाग में लेके गया जहां वो रोज जाता था। लेकिन आज एक जबरदस्त चेंज था वहां। वो ये कि उसके नाक में जो अच्छी खुशबू उसे नहीं सूंघने दे रहा था, नहीं महसूस करने दे रहा था, वो साफ हो चुकी थी, और वहां की खुशबू ने सीधा उसके दिमाग में दस्तक दी। उसका हलक भी साफ था, उसकी टंग भी साफ थी, उसने वहां का रस जो था, जो मधु था, जो शहद था, उसको टेस्ट किया तो वो भी उसे फील हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम ना अच्छे होते ना बुरे होते, कुछ बुराइयां हमें घेर लेती हैं जो हमें अच्छाई हो, और हमें उसी में जीने में आदत आदत भी पड़ जाती है, उसी गंदी जगह में, उसी गंदी सोच के साथ। तो किसी को भी हम ऐसी नजर से देखने, गंदी नजर से देखने के बजाय, नफरत करने के बजाय, अगर उनकी जो दिमाग में मैल या कचरा भरा पड़ा है उसे अगर बाहर निकाल दें, तो शायद उसके बहुत ही अच्छे नतीजे होंगे। बाकी आप समझदार हैं।